तो दोस्तों देखिए कैसी हालत हो गई है अपनी और कहाँ है हमारी सो हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसो फिटनेस। दोस्तों आज का मेरा जो ब्लॉग है ना थोड़ा लेट शुरू हुआ है। लेट क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आज मैंने सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया और मैंने जो शूट स्टार्ट किया ना वो शाम को किया है, वो भी 5 बजे से, क्योंकि अब बज रहे हैं 5 और मैं खाने वाला हूँ ओट्स। और आज के ब्लॉग में आप मैं दिखाऊँगा आपको अपना चेस्ट का वर्कआउट, जो आपको पता है मैं कटिंग फेस पर चल रहा हूँ थोड़ा, तो कटिंग फेस पर जो वर्कआउट होता है ना थोड़ा चेंजेस रहते हैं कुछ एक्सरसाइज में, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना वर्कआउट जो मैं कर रहा हूं चेस्ट का वर्कआउट। तो दोस्तों अभी मेरी डाइट का टाइम है सबसे पहले, क्योंकि पता है आपको आधा घंटे पहले मैं डाइट लेता हूं, उसमें ओट्स और टैबलेट्स हैं कुछ, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये रहे मेरे ओट्स और ये रही मेरी टैबलेट्स ब्लैक स्पाइडर T3 क्लीन। सो दोस्तों थोड़ी डाइट ले लूँ और अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि मैं आया था ना सुबह कार्डियो वगैरह करके मैं अपनी डाइट वाइट लेके सो गया था, क्योंकि डाइट में इतना टाइम हो जाता है मेरे को, मैं नहाने का टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, तो इसलिए मैं शाम को ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शाम को ही टाइम मिलता है मेरे को, शाम को ही नहाता हूँ फिर मैं। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा डाइट ले लो फिर मिलता हूँ आपसे नहाने के बाद। तो दोस्तों देखिए रेडी हो चुका हूँ मैं जिम के लिए और चलते हैं अभी। और दोस्तों ये रहा मेरा बैग, जिम बैग ये रहा मेरा, रेडी हूँ मैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही होगी मेरे, जो मैंने आपको कटिंग के फर्स्ट ब्लॉग में जो बताया था मैंने आपको कि मेरे स्टेरॉइड्स चलेंगे, बट अभी मेरे स्टेरॉइड्स चल नहीं रहे, अभी मैंने एक भी इंजेक्ट नहीं किया है अपने अंदर, जिस दिन करूँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट अभी कोई इंजेक्ट नहीं किया मैंने अपने अंदर। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि मैंने इंजेक्ट किया हुआ है और फ़र्क अभी इतनी जल्दी आ नहीं रहा बॉडी में। तो दोस्तों धीरे धीरे, मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया धीरे धीरे करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो इसीलिए मैंने अभी लगवाया नहीं है क्योंकि अभी नीड नहीं है मेरी बॉडी को लगाने के लिए उस चीज़ को। तो जिस दिन मैं लगवाऊँगा लेकिन मैं, बट जिस दिन लगवाऊँगा उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ा जिम। A few moments later. दोस्तों देखिए हमारे वर्कआउट पार्टनर ऋषभ भाई और आज करने वाले हम चेस्ट आपको जैसे मैंने बताया था, और आज कुछ अलग वर्कआउट होने वाला है क्योंकि कटिंग फेस पर हूँ आप लोगों को पता है, तो कुछ चेंजेस होंगे एक्सरसाइज में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अभी थोड़ा वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं हम दोनों। A few moments later. So, दोस्तों अब है हमारे इंक्लाइंड प्रेस और इस पर हमको करने हैं 4 सेट और इसके रेपिटेशन होंगे 18, 15, 12, 10। तो चलिए पहला सेट लगा लेता हूँ। इंक्लाइंड प्रेस थी, इसका 4 सेट थे कंप्लीट हो गए और अब है इसके बाद इंक्लाइंड डंबल फ्लाई
वो करनी है हमको। ऋषभ भाई अपना पूरा कंप्लीट कर रहे हैं सेट, देखिए। डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, फ्लैट पर हमें डंबल प्रेस करने हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अभी। उसमें ड्रॉप सेट करने हैं, बताता हूँ आगे स्किन का आपको पता चल जाएगी कौन कौन से ड्रॉप कैसे कैसे हैं, ठीक है चलते हुए करने। देखिए इसके पहले सेट में ही 12-12 के 4 सेट हैं, उसी को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप सेट लगाने इसके। और पहले सेट में हालत ख़राब हो गई, देखिए कितनी पंप हो गई चेस्ट, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अभी इसके 3 सेट हो रहे हैं, ऐसे ही 3 सेट और करने हैं इसके, तो चलिए अभी कंप्लीट कर लेता हूँ इससे, फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा, ठीक है। क्रॉसओवर के हमारे ड्रॉप सेट पूरे कंप्लीट हो गए 4, आपने देखा कितनी हालत ख़राब हुई हमारी, भैया के तो कुछ ज़्यादा ही हो गई, मेरी हुई तो मेरी भी। अब लास्ट एक्सरसाइज है हमारी पुल ओवर, इसके भी हमको 4 सेट करने हैं सेम वेट से 20-20 के रेपिटेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, पूरी फिनिश कर दें। We'll be right back.
दोस्तों वर्कआउट अब हमारा हो चुका है कंप्लीट। और देखिए आज तो पता है इन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सरसाइज करी है, लोअर में भी सबसे ज़्यादा मैंने करी थी और वही डांस पुशअप्स थी ना लिप्स, उसमें सबसे ज़्यादा रेपुटेशन है निकाली मेरे पर, तो निकली 15 या 18 उससे कम उन्होंने निकाली, 25 के चारों सेट निकाले उन्होंने, क्योंकि मेरी मसल बनने लगी हैं। आप लोगों को पता है मेरा सॉल्ट छूटा हुआ है बिल्कुल, तो भाई साहब ये हमारे वर्कआउट पार्टनर ऋषभ भाई, तो अब लेते हैं डाइट, डाइट का टाइम हो गया अब प्रोटीन पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं अब, मिलता हूँ आपसे आगे। सो गाइस अब हो रहा है मेरा प्रोटीन पीने का टाइम, प्रोटीन पी लेता हूँ और टैबलेट मैंने ले लिए हैं, और पता है आपको 10 मिनट बाद ही मैं प्रोटीन पीता हूँ एक्सरसाइज के, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, तो कोई नहीं चलो पहले प्रोटीन पी लेता हूँ, फिर इसके 10 मिनट बाद ही मेरा अंडे वगैरह चिकन वगैरह है वो हम आप। 1 hour later घंटे बाद है मेरे अंडे, मेरे घर से ले आया था क्योंकि घर पर जाने का टाइम नहीं है अभी, जिम बननी हुई क्योंकि अभी थोड़े बच्चे हैं तो अभी अंडे वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद है मेरा चिकन, 10 मिनट बाद चिकन खा लूँगा। घर वालों ने अंडे भी नहीं छिले, देखो मुझे छिलने पड़ रहे हैं, क्या करा जाए छिलना पड़ रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज करी हो तो उसके बाद डाइट भी करिए, बिना डाइट के कुछ नहीं है, जब तक आप डाइट नहीं लोगे मसल आपकी ग्रोथ नहीं पकड़ेगी, क्योंकि डाइट आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें डाइट से मिलती है, तो डाइट तो लेनी ज़रूरी है एक्सरसाइज के बाद, डाइट या कोई आप प्रोटीन ले रहे हो प्रोटीन या डाइट ज़रूरी है, इसलिए डाइट से कंप्रोमाइज में। 2 hours later सो दोस्तों अभी मेरा मल्टीविटामिन पीने का टाइम, और बाकी की सारी डाइट आप वो पता ही, मैंने जिम में ले ली थी अंडे चिकन और ये दाल चावल वगैरह सब मैंने वहीं ले लिया था, तो अब मैं थोड़ा मल्टीविटामिन पी लेता हूँ क्योंकि टाइम हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने आज मेरा चेस्ट का वर्कआउट देख ही लिया है, ये है मेरा कटिंग टाइम का चेस्ट का वर्कआउट, जो कटिंग फेस में जो चल रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।